कमल एक प्यारा सा फूल होता है, लेकिन उसके नेपथ्य में अगर आप जाएंगे तो आप पाएंगे कि यह फूल जन्मता है कीचड़ से ही, कीचड़ में ही कमल का फूल जन्मता है। तो हर एक अच्छाइयों के पीछे बुराई भी होती है। ज्ञान कहे अज्ञान बिनु, तम बिनु कहे प्रकाश, निर्गुण कहे सरगुण बिनु, सो गुरु तुलसीदास। ये दुनिया का ही पहलू दो रंग का है, क्या एक जड़ है एक चैतन्य है, दो पहलू हैं, इसीलिए तीसरी वस्तुओं का आप अनुभव कर रहे हैं। अब आइए आप लोगों के सामने में मैं कहना ये चाहूँगा कि स्वामी विवेकानंद जी के विषय में आप लोग सबको ही जानते होंगे। एक महापुरुष रहे थे, एक ज्ञान पे उनका गौरव रहा था। उनके अपने समय में राजस्थान में एक खत्री नाम का दीवान था, राजा था। उन राजा से इनकी घनिष्ठता रही थी और राजा बार बार स्वामी जी को बुलाते थे अपने यहाँ आतिथ्य में, और स्वामी जी शहर से जाते थे। जाने के क्रम में एक दिन क्या हुआ, वहाँ एक बेस्या का प्रोग्राम और स्वामी जी रूठ गए। बेस्या इनको वापस बुलाती है और बेस्या गाती क्या है, जरा सा मैं उसको अपने शब्द में दोहराऊंगा। ओ गुण चितन धरो प्रभु जी, ओ गुण चितन धरो, समदर्शी है नाम तिहारो, समदर्शी है नाम तिहारो, चाहे तो पार करो प्रभु जी, ओ गुण चितन धरो, एक लोहा पूजा में राखत, एक घर बधिक परो पारस गुण, ओ गुण नहीं चितव कंचन करत खरो प्रभु जी, ओ गुण चितन धरो, सबदर्शी है नाम तिहारो, चाहे तो पार करो प्रभु जी, चाहे तो पार करो, एक नदिया एक नारे कहावत, महलो नीर भरो, जब दो मिलके एक बरन भय, सुर सारी नाम परो प्रभु जी, ओ गुण चितन धरो, समदर्शी है नाम तिहारो, चाहे तो पार करो प्रभु जी, ओ गुण चितन धरो। और विवेकानंद जी में पॉजिटिविटी आई, ये बेस्या क्या गाई, शायद अमेरिका के वापसी क्रम में एक सुंदरी रूपवती बेस्या स्वामी जी से आग्रह करी कि स्वामी जी आप हमसे शादी कर लेते, तो विवेकानंद जी ने पूछा क्यों, कहा एक आप ही के जैसा पुत्र चाहिए था हमें। क्या उत्तर दिया विवेकानंद ने, तो कह लो मुझे बेटा, बात खत्म हो गई।